गुमला जिला से फुटबॉल और एक एथलेटिक्स में एक से बढ़कर एक खिलाड़ी निकले हैं और इस बार अब क्रिकेट के खेल में भी गुमला का युवा परचम लहराने को तैयार है। रायडी प्रखंड के एक छोटे से गांव सिलम पादनटोली गांव के लाल रोबिन मिंज की चर्चा हर ओर हो रही है। रोबिन का चयन आईपीएल में मुंबई इंडियंस की ओर से किया गया है। अभी रोबिन रांची में है और जल्द ही आगे के ट्रेनिंग के लिए इंग्लैंड जाने वाले हैं। रोबिन की इस सफलता से गांव में और उनके परिवार में खुशी का माहौल है। यहाँ के अनेक ऐसे खिलाड़ी हुए जो फुटबॉल के क्षेत्र में अपना परचम लहरा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर बात करेंगे हम कि क्रिकेट के जगत में भी एक गुमला का एक लाल है रोबिन मिंज। वो रोबिन मिंज जो अपना परचम लहरा रहा है और यहाँ से वो रांची गया है, रांची से वो विदेश जाने वाला है और इस वक्त मौजूद है हम गुमला के सीलम गांव के उसके एक टोली है वहां पे हम लोग मौजूद है। आप देख सकते हैं उसके परिवार के लोग हैं। तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखाना चाहेंगे कि इस बगल में उसका घर भी है जो मट्टी का घर, और आपको हम बताएंगे कि मट्टी के घर से लेकर के विदेश तक का जो सफर रोबिन मिंज ने जो तय किया है उसको लेकर के इसके गांव के पूरे लोग हैं जो खुशी का माहौल है गांव में, और हम बात करना चाहेंगे उसके परिवार के लोगों से। मोर देवर एक खाना ये का हम मिट्टी के घर में रह के पढ़लक लिखलक, एक खाना गुमला से रांची गेलक, रांची से खेलते खेलते एक खाना वो रांची से निकल के विदेश जाते ट्रेनिंग ले, तो एक ट्रेनिंग करके एक खाना हमारे गांव घर के उत्थान करी इंजोत करी। मेरा चाचा है बोल के बहुत प्राउड फील हो रहा है कि वो मेरा चाचा है और अभी इंडियन टीम में सिलेक्शन हो गया है और अभी ट्रेनिंग के लिए विदेश जा रहे हैं। ये यही उनका घर है, पीछे दिख रहा है वही उनका घर है। उसी के माहौल है गांव में कि गांव का बेटा गुमला के मिट्टी घर से लेकर के विदेश तक का सफर तय कर रहा है, जिसको लेकर के पूरे गांव में उत्साह का माहौल है। रुपेश कुमार भगत, न्यूज 18 गुमला।